मैं आज आपको ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे अकाउंट बनाते हैं और उस पे कैसे हम MTG को परचेस कर सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप अपने वही फ़ोन में प्ले स्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर के बटन पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन हो गई, उसके बाद आप ऊपर दिख रहे सर्च बार में वहाँ पर टाइप करेंगे ट्रस्ट वॉलेट क्रिप्टो करेंसी वाला, ये आपका बिटकॉइन वॉलेट आ जाएगा। इस पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक होने के बाद ये आपका इंस्टॉल होने लगेगा। देखिए 4% इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल हो रहा है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सुनना है। और जो सिक्योरिटी रीजन है इसमें मेन सबसे ज़्यादा कि आपको जो इसमें रिकवरी फेस होते हैं जो 12, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन से 12 वर्ड होते हैं, उसको आपको बहुत ही सुरक्षित जगह पे रख लेना और किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं बताना है। आसपास अगर कोई खड़ा भी है तो उससे भी दूर होके आपको वो प्रक्रिया को पूरा करना है, जिससे कि कोई भी ना देखे सिर्फ आपके अलावा। आपका ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल्ड हो रहा है। अब इसमें आप ओपन करेंगे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट ए न्यू अकाउंट। अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहें, यहाँ पे आप गए क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करा आपने, इसको अप्लाई कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब जो यहाँ पे आप अप्लाई करके कंटिन्यू करेंगे तो यहीं पे आपको अब अगला पेज आएगा जिसमें आपके ये जो 12 अक्षर दिख रहे हैं आपको, इसको आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है, ठीक है। या कॉपी करके कहीं पर भी आपको अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी नोटपैड में पेस्ट करके आपको सुरक्षित रख लेना है। कहीं पर भी आप रखिए जहाँ पर भी आपका ये किसी के हाथ ना लगे, किसी को दिखाई ना पड़े, ठीक है। आप जैसे ही ये कॉपी करके अपने पास रख लेंगे या फिर नोट करके रख लेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखेंगे कि आपके आगे फिर से जो नेक्स्ट विंडो आएगी, ठीक है, उस विंडो में आपसे ये रीवेरीफाई करेगा कि आपने जो 12 फेस नोट करे थे उसको आप सिक्वेंस वाइज यहाँ पर डालिए। देखिए अब यहाँ पर आ गया है, तो अब आप इसमें जैसे ही आपने 1, 2, 3 करा था, जैसे ही आप वहाँ पर डाल के पूरा कंप्लीट करेंगे वो आपको मैसेज दे देगा आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। नेक्स्ट करेंगे जैसे ही और आपको यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार की विंडो आएगी जिसमें आपको 4 कॉइन दिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अब आप इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो BNB है, BNB यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो कॉइन है, इसको आपको परचेस करना है। कोई भी कॉइन आपके पास है, जो भी जिससे भी आप इथेरियम है, आपके पास BTC है, कोई भी है, सबसे पहले आपको अपने इस वॉलेट में वो मंगाना है। अच्छा, अब वॉलेट में कैसे मंगाएंगे आप? आप BNB पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक एड्रेस दिखाई पड़ेगा जिस पे कि आप BNB मंगा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे BNB मंगा लिया है। आप देखिए BNB में मेरे दिखा रहा है कि आपके पास 0.2795 BNB है, ठीक है। अब आपने BNB मंगा लिया, अब BNB कैसे लेंगे आप जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उस एक्सचेंज पे उस BNB को खरीदेंगे, ठीक है। BNB खरीदने के बाद आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के इस BNB एड्रेस पे आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। आपने उसको ट्रांसफ़र कर लिया, आप जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे आपको यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में वो BNB दिखने लगेगा, ठीक है। BNB दिखने के बाद में अब आप यहाँ पर जैसे ही BNB है, आप अगर BNB से परचेजिंग करना चाहते हैं कोई भी करेंसी परचेज का, आप सबसे नीचे देखिए जहाँ पर DEX दिख रहा है, डेक्स, आप डेक्स पे जाएंगे। डेक्स पे जाने के बाद आप इसको स्वैप करेंगे। स्वैप मतलब क्या होता है कि हम ये BNB जो है एक्चुअली अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जिसमें BP2 BP20 नेटवर्क होता है। जो नीचे BNB आपको दिख रहा है वो भी BNB है बट उसका नेटवर्क है BP20, और जो ऊपर दिख रहा है वो भी BNB है बट उसका नेटवर्क है BP2, ठीक है। तो आपको BP20 जो नेटवर्क है उसमें आपका BNB होना चाहिए। तो क्योंकि आपका टोकन जो है वो BNB मतलब BP20 है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने BNB को BNB BP2 को BNB BP20 पे स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास सीधे भी BNB BP20 है तो आप उसको भी मतलब डायरेक्टली उसको लिए आपको फिर स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तब आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि BNB BP2 है इसलिए हम उसको BNB BP20 से स्वैप कर रहे हैं। स्वैप करने के लिए DEX पे गए, यहाँ पर आया, यहाँ पर हम
को जितना भी हमारे पास BNB है उसका हम कितने परसेंट करना चाहते हैं, मैं 25% सिलेक्ट किया और उसको स्वैप कर रहा। जैसे 25% स्वैप करने के लिए हमने क्लिक करा, अब यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाएगा कि आपका ये नेटवर्क फीस लग रही है। अब देखिए अब ऊपर लिख कर भी आ रहा है BP2 to BP20, ठीक है। BP20 में हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म करेंगे हमारा ये स्वैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये स्वैप हो गया, यहाँ पर ओके करेंगे हम। जब ओके करेंगे उसके बाद हम वापस से डी ऐप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डी ऐप पे जाने के बाद यहाँ पर हम पैनकेक को स्वैप करेंगे, पैनकेक को देखेंगे। पैनकेक खोलने क्योंकि हम वाया पैनकेक के थ्रू इसको ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको अभी और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं कि जो यहाँ पे वॉलेट है, वॉलेट जो हमारा था, मतलब अभी मैं आपको ये दिखा दे रही, ये आपका पैनकेक खुल गया, ठीक है। पैनकेक हो गया, पैनकेक में आप देखिए यहाँ पर BNB दिखा रहा है, हमारे जितने भी BNB है यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पर BNB सेलेक्ट किया बैलेंस की कितना BNB, और यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके जब क्लिक करेंगे तो हमको कौन सी करेंसी उसके अगेंस्ट में खरीदनी है BNB के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर हमको MTG, अगर MTG यहाँ पर आप डालते हो और MTG अगर आपका नॉर्मली आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पर आपको MTG शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है सर्च नेम या पेस्ट एड्रेस। पेस्ट एड्रेस में आपको क्या करना है, आपको जो हमारा MTG का स्मार्ट एड्रेस है जो कि हमारी MTG गोल्ड की वेबसाइट पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने वापस जाएंगे, क्रोम खोलेंगे, क्रोम पे जाने के बाद में अब वहाँ पे MTG गोल्ड की अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप MTG गोल्ड लिखेंगे, MTG गोल्ड खुलने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी हमारी। इसमें आप सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए दिखेगा स्मार्ट एड्रेस। देखिए यहाँ पर आ गया, ये देखिए कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस में आप इस पर क्लिक करेंगे इस विंडो पे तो ये आपको हमारे स्मार्ट एड्रेस वाली जो BSE स्कैम की वेबसाइट है उसके ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर जाके आप हमारे एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ पर नीचे की तरफ ये एड्रेस आ रहा है। ये देखिए जो ऊपर एड्रेस है, ये एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस को। अब इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को आपको कॉपी करके जो आपने पैनकेक में यहाँ पर सर्च कर रहे थे वहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। अब जैसे इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर आपको MTG दिख जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको यहाँ पे MTG हो सकता है कि दिखे और वो इंपोर्ट करने के लिए बोले तो आपको वहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट को वेरीफाई करना है, तो आपका MTG यहाँ पे नीचे जो 2 में है MTG आ जाएगा। तो आपका MTG आने के बाद अब यहाँ पर दिखा रहा है कि जितना BNB हमारे पास बैलेंस था हम उसमें कितने MTG ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 466.005 MTG हमारे पास आ गया। अब एक्चुअली हमें यहाँ पे मान लीजिए 100 MTG ही ख़रीदना है तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम नीचे जाके चेंज भी कर सकते हैं, हमको जितना भी लेना है, ठीक है। मैक्सिमम हमारा उतने रुपए में इतना MTG आएगा, बट हमको कम लेना है या ज़्यादा लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसमें बैलेंस रखना होगा। अब हमने यहाँ पर 100 MTG सिलेक्ट कर लिया और उसको हमने स्वैप पे क्लिक कर दिया। जैसे हम 100 तो ये पूछ रहा हमसे कन्फर्म कि आप हाँ इतने BNB आपका बनेगा और इतना MTG आएगा, हमने उसको कन्फर्म कर दिया। ये बताना जा रहा हूँ कि अब आपने MTG परचेज कर लिया है, स्वैप कर लिया है, 100 MTG आपने परचेज कर लिए हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर MTG अब नहीं शो कर रहा है तो अब आपको ऊपर राइट हैंड पे देखिए दो जो बिंदी दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर MTG लिखना है। अगर MTG यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको इसमें ऐड कस्टम टोकन पर क्लिक करना है। ऐड कस्टम टोकन पर जाने के बाद नेटवर्क में आपको यहाँ पर स्मार्ट चेन सिलेक्ट करना है। स्मार्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस मांग रहा है। कॉन्टैक्ट एड्रेस में फिर आपको ध्यान रखना है वही जो हमने कॉन्टैक्ट एड्रेस अभी आपका MTG गोल्ड की वेबसाइट से कॉपी किया था, ये वाला एड्रेस ही हमको वापस से यहाँ पर पेस्ट करना है। ऐसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक मैग्नेट गोल्ड MTG उठा लेगा और इसको आपको डन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डन करेंगे और आपके पास जितने MTG आपने परचेस किए थे वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपने 100 MTG परचेज़ किए थे, अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 MTG आ गए हैं। इसी प्रकार से आप इस MTG को ख़रीद सकते हैं, ठीक है।